सुरक्षा बलों ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के करीब एक आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों की टीमों ने हथियार मिलने के बाद कई घंटों तक आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को कोरोना संक्रमण रोगियों की संख्या 50 का आंकड़ा पार कर गई। 6 और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी मामले कश्मीर से हैं और इनमें एक 10 वर्षीय लड़का भी शामिल है जो बैमीना इलाके में रहने वाले कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था। वो व्यक्ति तलबगी जमात का हिस्सा था और शहीद ए मिलाद मस्जिद में आया हुआ था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईदगाह श्रीनगर इलाके का रहने वाला ये लड़का 23 मार्च को कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था। सुबह ही उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लॉकडाउन की सख्ती का असर दिखने लगा है। शुरुआती चरण में तेजी से सामने आए कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पिछले 11 दिन में रुक गया है। देश दुनिया से अलग थलग रहने वाला लद्दाख चूंकि एयर कनेक्टिविटी पर ज्यादा निर्भर है, ऐसे में यहाँ कोरोना वायरस की महामारी से बड़ा संकट बना हुआ था। वर्तमान में लद्दाख की सभी सीमाएं सील हैं। कुल 13 पॉजिटिव मामलों में से 3 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं जबकि 10 मरीजों का उपचार चल रहा है। देश भर में फैले कोरोना वायरस का साया वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ता नजर आ रहा है। अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि तक टालने की घोषणा की है। 23 जून से शुरू होने वाली वार्षिक यात्रा के लिए एडवांस पंजीकरण की प्रक्रिया फिलहाल 15 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है। पंजीकरण की नई तिथि लॉकडाउन खुलने के बाद ही घोषित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में प्रवेश द्वार लखनपुर होते हुए कोई भी व्यक्ति न तो राज्य में घुस सकेगा और न ही यहाँ से बाहर जा सकेगा। सिर्फ आपात स्थिति वाले लोग, जरूरी सेवाओं और एम्बुलेंस ही आ जा सकेंगी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों और लोगों का आना जाना नहीं रुकने को देखते हुए प्रशासन ने लखनपुर में और अधिक सख्ती बरती है। यहाँ पर जो भी पहुँच रहा है उसे सीधे क्वारंटाइन केंद्र भेजा जा रहा है। पंजाब से जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए पहुँचे करीब 550 लोगों की लखनपुर में जाँच के बाद क्वारंटाइन केंद्र भेजा गया। इसके बाद पंजाब से आने वालों पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस के चलते सीमा सुरक्षा बल ने भी अपने कैंप्स को सैनिटाइज किया हुआ है। सारे जवानों और अधिकारियों को सैनिटाइज करने के लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से हर किसी को सैनिटाइज होकर ही गुजरना पड़ता है। इस वक्त सारी कैंटीन बंद है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जहां तक कैंप्स के अंदर दाखिल होने वाली सभी गाड़ियों को भी 3 बार सैनिटाइज किया जाता है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गुलाम कश्मीर में कोरोना के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से ध्यान हटाने को लेकर पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का लगातार उल्लंघन कर रहा है। उत्तरी कश्मीर से पुंछ रजौरी तक नियंत्रण रेखा पर रह रहकर वो गोलाबारी कर रहा है। इसमें सेना नहीं बल्कि नागरिक ठिकानों पर भी वो गोले बरसा रहा है। भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं सेना व प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार कर ली है। देश भर में लॉकडाउन के बने हालात के बीच यहाँ पर हर वर्ग समाज सेवा के लिए आगे आ रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल पल में लोगों पर अपनी जिम्मेदारी से दूर भागकर प्रवासी मजदूरों को भगा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है कश्मीर से। यहाँ पर राजस्थानी समुदाय के 32 परिवारों के 50 सदस्यों बच्चों सहित कश्मीर से भगा दिया गया, जो पैदल चलकर 7 दिन के बाद सांबा में पहुँचे। यहाँ पर सांबा पुलिस ने उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया। कस्बा अखनूर में सिख फेडरेशन नारदीबाला द्वारा फूड पैकेट्स जरूरतमंद लोगों में बांटे गए। इस मौके पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की सहायता ली ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपना सकें।
इस मौके पर SDPO अजय शर्मा, SHO प्रदीप शर्मा, तहसीलदार मौजूद थे। रणबीर सिंह सिख फेडरेशन के प्रधान का कहना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सब सिख फेडरेशन टीम उनका सहयोग करेगी। कस्बा अखनूर के लोगों द्वारा लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आर्य समाज देवी द्वारा और आम जनता द्वारा कहा गया है कि गरीब लोगों को राशन दिया जाए जो बिल्कुल ही गरीब है। उनकी अपील है कि पार्षद अपने वार्ड नंबर में लोगों को ढूंढें जो बिल्कुल गरीब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसका सामान घरों में इकट्ठा कर रहे हैं, बस कुछ लोग अभी भी भूख का शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा व्यापार रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी में चली जाएगी, जबकि भारत और चीन इसके अपवाद हो सकते हैं, यानी भारत और चीन पर असर नहीं होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान खरबों डॉलर का नुकसान होगा और विकासशील देशों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की विस्तार से व्याख्या नहीं की गई है कि भारत और चीन अपवाद क्यों और कैसे होंगे।